इस वीडियो में वुड को इंग्लिश और हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे। एग्जाम्पल से इस वर्ड को सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। वुड, देखिए वुड जो है इसका मतलब होता है हिंदी में क्या करता था, क्या करती थी, क्या करते थे, या फिर चाहूंगा, चाहूंगी, चाहेंगे, करेंगे, करूंगा, करूंगी, लगेगा, लगेगी, तो ये इसका हिंदी अर्थ होता है। और इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से करेंगे, मतलब इसको कई तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस में, और सिचुएशन को देखते हुए, मतलब के फ्यूचर की संभावना के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। हैबिचुअल एक्शन, पास्ट में अगर क्या करते थे, मतलब कोई आदत हुआ करती थी उसके लिए। कंडीशनल सेंटेंसेस में, मतलब शर्त लगा करके अगर कुछ ऐसा होता है तो इसमें वुड का प्रयोग होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, मतलब बहुत ही खाकसारी के साथ है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो उसके लिए। चॉइस या प्रेफरेंस बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जांपल है सेंटेंसेस में, जैसे बोलेंगे वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। इसी तरह से ये यहाँ पर देखिए एक रिक्वेस्ट है, आप इस तरह से और भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर के आई वुड क्राई व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं रोया करता था, मतलब मेरी आदत थी, तो ये मेरा हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए यहाँ पर ये बताया गया। तो इसी तरह से आप ये भी बोल सकते हैं आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले टेनिस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, तो मैं जब बच्चा था तो क्रिकेट खेला करता था, टेनिस खेला करता था, तो बचपने का की आदत को बताने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, रिक्वेस्ट करने के लिए वुड का प्रयोग करते हैं, या पास्ट विल का, पास्ट वुड है उसके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है।